एक्शन मोड पर पाकिस्तानी सेना, आतंकवादियों के खिलाफ चला डाला बड़ा ऑपरेशन। आतंकी ठिकानों पर दबिश देकर मार गिराए 8 आतंकी। आतंकी ठिकानों से भारी मात्रा में असलाह भी किया बरामद। जी नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षी, लेकर आ गया हूं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबर। पाकिस्तान सेना ने आतंकियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेते हुए उनके ठिकानों पर दबिश दे डाली है, बल्कि 8 के करीब आतंकवादी मार भी गिराए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो देश खुद भारत में आतंकवाद फैला रहा है, वो क्यों आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा और क्यों आतंकियों को मार ही गिराएगा। तो आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है और इस आतंकवाद का खतरा उसे तालिबानी शासन वाले अफगानिस्तान के रास्ते से हो रहा है, जहां आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। जी हां, ताजा खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक उन्हें उत्तरी वजीरिस्तान जिले के रजमाक इलाके में आतंकी गतिविधियों और आतंकियों के मौजूदगी की खुफिया सूचना मिली थी। इस पर 25 और 26 सितंबर की रात को सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ पूरी तैयारी और रणनीति के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों और सैनिकों का आमना सामना हुआ और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई। इस भीषण गोलीबारी में आखिरकार 8 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के आधिकारिक बयान में भी कहा गया है कि 8 आतंकवादी मारे गए हैं, यानी कि इस बात की पुष्टि हुई है, और आतंकियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त करने की भी बात कही गई है। पाकिस्तान सेना का दावा है ये कि TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम का एक आतंकी संगठन है, जो अफगान तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी सेना के इस दावे को अफगान तालिबान पूरी तरह से नकार रहा है। वैसे आपको ये बता दें कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट होकर तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों की बढ़ोतरी हुई है। इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में एक दोस्ताना सरकार बन रही है और उससे उग्रवाद से निपटने में उसे मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि स्थितियां और ज्यादा विपरीत हो गईं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध हाल के दिनों में कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। एक ओर जहां आतंकी संगठन TTP की बढ़ती गतिविधियां देखी जा रही हैं, जो दोनों ही मुल्कों के लिए समस्या बनी हुई है, वहीं सीमा पर झड़पें भी इन तनावों को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। इधर पाकिस्तान की सरकार और उसकी सेना ये दावा करते नहीं थक रही है कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद के खात्मे के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर में सवाल यही उठता है कि भारत में आतंकवाद का समर्थक पाकिस्तान क्या खुद के यहां पनप रहे आतंकवाद पर काबू पा सकेगा या नहीं? आपकी क्या राय है पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़े इस बड़े मुद्दे पर, हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल और जुड़े रहिए पत्रकार डिजिटल के साथ।